बच्चों कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, भारत में षड ऋतुओं का अर्थात 6 ऋतुओं का आगमन होता है। वे ऋतुएं कौन कौन सी हैं? वे ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु। अब इनमें से वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि वसंत ऋतु में ही प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य दिखाई देता है। अब वसंत ऋतु में हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं? वसंत पंचमी मनाते हैं, है ना। वसंत पंचमी क्या है? जिसमें हम विद्या की देवी सरस्वती की आराधना करते हैं, उनसे हमें विद्या का दान दे इस प्रकार की कामना करते हैं। तो ऐसे ही विद्या की देवी सरस्वती का आह्वान करने का ये गीत है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारती, या जिसे सरस्वती वीणा की देवी भी कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है, वो किस प्रकार से भारती जो है, वीणा जो वादिनी जो है, सरस्वती वसंत का गीत किस प्रकार से गाती हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका शीर्षक है भारती वसंत गीति, अर्थात वसंत का गीत वीणा वादिनी सरस्वती का। यह कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक शेमुशी का प्रथम पाठ है, जिसके रचयिता हैं प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जिन्होंने ये जो अपनी कविता है, ये काकली नामक उनका जो गीत संग्रह है उससे लिया गया है। और इस कविता में सरस्वती का वसंत गान, माँ सरस्वती का वसंत गीत कवि के द्वारा बताया गया है। तो कवि सरस्वती से ऐसी कामना करता है और कहता है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे वसंत ऋतु में जो प्रकृति की सुंदरता है, जो स्वर्णिम मंजरियां हैं और जो आम के फलों से लदे हुए जो पीली पंक्तियां जो दिखाई देती हैं, रसीले वृक्षों फलों की, और उन पर जो कोयलों की चहचहाट है, कोकिल ध्वनि है, और जो भवनों का गुंजार, भवरे ना भ्रमर जिसे कहा जाता है, तो वो और कलकल बहती नदियों का जल है, ये सब और भी अधिक आपकी वीणा के स्वर के साथ और भी अधिक आनंदित करता हुआ दिखाई दे। तो ये जो कविता है, ये स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई कविता है, जिसमें कवि ने जन समुदाय को प्रेरित करने का और उनमें नई चेतना का संचार करने का आह्वान किया गया है कवि के द्वारा। अब इस गीत की पहली पंक्तियां कुछ इस प्रकार से हैं। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गायम गीतिम ललितम ललितम नीति नीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला वसंते लसंती सरसा रसाला। अर्थात कवि वाणी या सरस्वती जिसे कहा जाता है, से कहता है कि आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ और उस वीणा के माध्यम से वो जो सुंदर नीतियों से युक्त आपका मधुर युक्त गान है वो गाओ, जिसके द्वारा वसंत ऋतु में जो मधुर मंजरी, मंजरी यानी जो आम के वृक्ष के जो बौर हैं वो मंजरी है ना। तो ये मंजरी द्वारा जो पीले रंग के दिखाई देने वाले रसीले आम के जो वृक्षों की माला से सुशोभित हो रही है, वह और भी अधिक सुंदर दिखाई दे, और उन पर जो वृक्षों पर जो मधुर ध्वनि करती हुई कोयलों का समूह है, उनकी शोभा जो बढ़ा रहे हैं, हे शारदा, मैं ये कामना करता हूं कि आप भी वसंत ऋतु के इस जो सुंदर वातावरण है, मनोरम वातावरण है, उस वातावरण को अपनी वीणा के मधुर तान के द्वारा, मधुर संगीत के नाद के द्वारा और भी अधिक आनंदमय बना दो। दूसरी पंक्ति है, वहति मंद मंद स्रस समीरे कालिंदात्म जाया सवाया सवानीर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम। अर्थात हे माँ शारदे, यमुना नदी के
बेत की लता से, तो बेत क्या है, जो बांस का जो झुरमुट है, नदियां यमुना क्या है, कालिंदी जिसे कहा जाता है ना, तो यमुना नदी के किनारे क्या है, बांसों का झुरमुट है, तो उस जो लता है वहां पर, बेत की लता जो है वहां पर जल की बूंद, क्योंकि यमुना नदी का किनारा है तो वहां पर जो जल की बूंदे हैं वो भी क्या है, वाष्पीकृत रूप में हवाओं के साथ है, तो जल की बूंदों से युक्त शीतल मंद हवा जो चल रही है वहां पर, उसमें जो मंद हवा चल रही है तो वहां पर क्या है, बेतों का जो झुरमुट है ही साथ ही साथ मधु माधवी, मधु माधवी क्या है, एक प्रकार का एक सुगंधित लता का लता होती है जिसमें सुगंधित पुष्प खिलते हैं, तो उस जो मंद हवा से झुकी हुई मधु माधवी की जो लताएं हैं उनको देखकर आप अपनी वीणा का मधुर निनाद करो, अर्थात वीणा का स्वर छेड़ो। तीसरा जो है इसमें पद वो है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंज कुंजे स्वंति नीति वृक्ष मलिना मलिनाम, अर्थात जो ललित पल्लव, ललित पल्लव पल्लव यानी क्या होता है, पत्तियां है ना, अब ललित क्या है, ललित यानी होता है सुंदर, तो जो सुंदर पत्तों और कोमल कोपल को क्या होता है, वसंत ऋतु में जो पुरानी पत्तियां होती है वृक्षों की वो झड़ जाती है और उनके स्थान पर नई कोपले आती हैं, तो ये जो नई कोपले आती हैं वो और अधिक सुंदर दिखाई देती हैं, तो ये जो सुंदर सुंदर नई कोपले हैं और उन पर जो खिले हुए सुंदर सुंदर फूलों के गुच्छे हैं, वृक्षों पर क्या है, फूलों के वृक्ष हैं तो पौधे हैं तो, और उस पर क्या है, समूह में या गुच्छों में पुष्प लदे हुए हैं, तो उन पुष्पों को देखकर आकर्षित हुए जो भंवरे हैं है ना, वो गुंजार करते हैं पुष्पों के ऊपर, मंडराते हैं, तो वो जो भंवरों की गुंजार करते हुए काले काले भंवरे हैं उन पर जो पुष्पों पर मंडरा रहे हैं, तो उनके जो काले काले भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं वो क्या हो रही है, चंदन के वृक्ष, वहां पर आसपास चंदन के वृक्ष भी हैं, तो चंदन के वृक्ष में जो हवा चलती है तो वो जो एक सुगंधित हवा हो जाती है, उसके स्वर सुगंध चंदन का स्पर्श पाकर जो हवा है वो भी सुगंधित हो जाती है, तो उस चंदन के वृक्षों का स्पर्श कर बहती हुई हवा से जो परिपूर्ण वातावरण है उस वसंत की जो सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहे हैं, तो आप अपनी वीणा का मधुर तान से मधुर अपनी वीणा के मधुर तान के झंकृत करने हुए तान से उस वातावरण को और अधिक गुंजायमान बना दीजिए। चौथा इसमें जो अंतिम पंक्ति है वो है, लतानाम नितांतम सुममम शांतिशीलम चले दुच्छलेन्त कांत सलिलम सलिलम तवाकर्ण्य वीणा मदिनाम नदीनाम, अर्थात कवि कहता है, हे सरस्वती ऐसी ओजस्वी वीणा, ऐसी जो आप स्वयं में अपने आप में तेज है आपका, तो ऐसी ओजस्वी वीणा को बजाओ जिसकी तेजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं जो लता है उस पर जो पुष्प खिले हुए हैं तो वो हमेशा शांत प्रतीत होते हैं है ना, अब आप अपने ओजस्वी वीणा की तान से ऐसे तार झंकृत करो, ऐसी वाणी सुनाओ जिससे कि वो जो लता में शांत प्रतीत होते हुए फूल पुष्प हैं वो भी हिलने लगे। अब इसका एक और यहाँ पर माना गया है कि जो क्योंकि स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी हुई कविता है तो कवि के द्वारा जो लताओं में खिले हुए पुष्प हैं उनको ये माना जा रहा है कि जो संसार में शांत वाले हैं या जो निष्क्रिय हैं उनके मन में भी एक नई चेतना, नए उत्साह का संचार हो जाए, वो भी अपने हृदय में चेतना उत्पन्न कर लें, तो उनमें भी हलचल हो सके, उन अशांत मन में भी निष्क्रिय निष्क्रियता में एक सक्रियता उत्पन्न हो सके, और नदियों का जो कलकल मधुर करता हुआ स्वर करता हुआ जो जल क्रीड़ा करते हैं ना, कलकल जो ध्वनि सुनाई देती है वो कैसी प्रतीत होती है कि कलकल की ध्वनि जैसे मानो कोई जल की जो लहरें तरंगे कर रही हैं, क्रीड़ा कर रही, क्रीड़ा यानी कि खेल कर रही है, तो अब उनमें भी एक उत्साह हो जाए, मतलब ये वीणा के मधुर स्वर को सुनकर, ओजस्वी स्वर को सुनकर वो भी जल क्रीड़ा करते हुए उत्साह से
उछलने लगे। और इस पूरे कविता का आशय यही पर यहाँ पर आ रहा है कि वीणा के ओजपूर्ण स्वर को सुनकर जो संपूर्ण भारत में एक प्रकार से लोगों के मन में जन समुदाय में उमंग और चेतना का संचार हो सके। तो यहाँ हमने देखा कि कविता के माध्यम से कवि ने सरस्वती के द्वारा ये आह्वान किया है कि संसार में भी लोगों के मन में जो उत्साह और नई चेतना जागृत हो सके। तो इसके अभ्यास कार्य में हम देखते हैं कि कवि पहला जो प्रश्न ये कहा जा रहा है, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि कवि वीणा पाणिम किम कथयति, कवि वीणा पाणि यानी सरस्वती से क्या कहता है। तो कवि वीणा पाणि यानी सरस्वती से कहता है कि आप अपने नवीन वीणा को बजाइए, अर्थात कवि वीणा पाणिम वीणाम निनादयितुं कथयति। अब दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया है कि वसंते किम भवति, वसंत में क्या क्या होता है। तो वसंत ऋतु का वर्णन हमने पहले भी किया है, यहाँ पर बताया है कि वसंत में वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिलाम कलापा शोभन्ते, यानी कि जो वसंत ऋतु है उसमें मधुर स्वर में कोयले जो है कोयलों का समूह जो है वो अपना कोकिला जो स्वर है वो सुनाई देता है, और आम के वृक्षों पर पीले पीले रसीले जो आम है उनकी पंक्तियां दिखाई देती हैं, और बौर जो है आम के बौर जो है उनकी स्वर्णिम आभा भी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से वसंत ऋतु में क्या क्या होता है इसका वर्णन हमको करना है। तीसरा प्रश्न इसमें जो पूछा है वो है सरस्वत्या वीणा श्रुत्वाम किम परिवर्तनम भवतु इति कवे इच्छाम लिखत। अब जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वो है कि सरस्वती यानी वीणा वादिनी जो है उसे वीणा सुनाने को जो कवि कहता है तो उसमें क्या परिवर्तन की इच्छा रखता है, किस परिवर्तन की इच्छा रखता है कवि। तो सरस्वत्या वीणा श्रुत्वा लतानाम नितांतम शांतम शीलम सुममम चलेत नदीनाच कांत सलिलम उच्चलेत इति कवे इच्छा अस्ति। अर्थात यहाँ पर कवि वीणा के माध्यम से सरस्वती की वीणा को सुनकर लताओं का और जो शांत लता है उसपे जो खिले हुए पुष्प हैं शांत से जो स्थिर से दिखाई देते हैं उनमें भी हलचल हो यह चाहता है। दूसरा वो चाहता है कि नदियों का जो कलकल करता हुआ जल है, जल क्रीड़ा जो हो रही है वो भी उत्साह के साथ उछल पड़े, ऐसी कवि इच्छा रखता है। चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि कवि भगवती भारतीम कस्या नद्या तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादयितुं कथयति। अब यहाँ पर किस कवि जो भगवती सरस्वती से किस नदी के किनारे अपनी वीणा की तान को और जो किस नदी के तट के बारे में बात कही गई है जहाँ पर जो मधु माधवी नाम की जो लता है ना जिसपे सुंदर पुष्प खिले हुए होते हैं तो वहाँ की किसके बारे में बात कहा गया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कालिंदात्मजाया यानी कि कालिंदी जो है कालिंद की पुत्री है कालिंदी जिसे यमुना भी कहा जाता है। तो कालिंदात्मजाया सवानीर तीरे यानी कालिंदी के यमुना नदी के तट पर ये कवि कह रहा है सरस्वती को अपनी वीणा के तान बजाने के लिए। अब दूसरा इसमें देखिए पर्याय पद है। पर्याय पद यानी क्या होता है, जैसे पर्यायवाची हिंदी में भी हम पढ़ते हैं कि पर्यायवाची पद होते हैं, जैसे सूर्य को हम दिनकर भास्कर कहते हैं वैसे ही यहाँ पर सरस्वती का आप यहाँ पे दो स्तंभ आपको दिए हुए हैं प्रश्न में जिसमें आपको एक शब्द है दूसरा उसका पर्याय है उसके साथ आपको उसका मिलान करना है। तो यहाँ पर सरस्वती जो है वो किसे कहा जाता है, वाणी है ना, सरस्वती वाणी को कहा जाता है। आम्रम यानी जो कैसे होते हैं आम वो रसालह भी उनको कहा जाता है, रस से रस युक्त हो जो होते हैं है ना। फिर आम पवन यानी समीर, फिर तटे यानी तीर किनारा, फिर भ्रमराणाम पांचवा जो है भ्रमराणाम भ्रमण को भंवरे को अली भी कहा जाता है तो अली नाम भंवरों का भ्रमणों का भंवरों का उसी का पर्यायवाची है अली नाम यानी भंवरों का समूह। अब तीसरा जो इसमें है वो है कुछ शब्द दिए हैं जिनके माध्यम से आपको वाक्य रचना करनी है। जैसे पहला शब्द इसमें दिया है निनादयः,
अब निनादक आप क्या वाक्य प्रयोग कर सकते हैं? हे वाणी तुम स्ववीणा निनादय। हे वाणी सरस्वती जिसे कहा जाता है, आप अपनी वीणा सुनाइए। दूसरा इसमें जैसे दिया गया है वो है मंद मंदम, तो इसका हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, तत्र मंद मंदम वह पवन वहती। वहां मंद मंद यानी धीरे धीरे पवन बह रही है, हवायु प्रवाहित हो रही है।